जो भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में डाली है, जो काले धन के केस में डाली है, कहा है कि काले धन के पत्ते में अगर सारे नाम डिस्क्लोज किए जाए तो आगे जो ट्रीटीज और करनी है वो करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि सब ट्रीटीज में कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रोविजन रहता है। और ये जब डिस्क्लोजर पीछे फॉरेन गवर्नमेंट्स ने हमें पूछा है कि आपने क्यों डिस्क्लोज किया, ये जेठमलानी साहब को विरोध करने का अख्तियार है। हर मुकदमे में दो साइड होती है, विरोध हो या उसको सपोर्ट हो, फैसला करे। लेकिन पर्सनल एलिगेशन लगाना, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर के खिलाफ या सरकार के खिलाफ, ये बिल्कुल गलत है, ये अनवारंटेड है। इसलिए मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी नाम बताने को तैयार नहीं है। जो समझौता या करार पहले से हो रखा है उस करार को मानना ये किसी भी सरकार का काम है। जो 9/11 के बाद जो संधि साइन हुआ था लाइकेनस्टीन बैंक और बाकी तमाम देशों के बीच, जिनको हम टैक्स हवन भी कहते हैं, वहाँ ये तय हुआ था कि किसी का भी नाम सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन नामों को आप राम जेठमलानी जी को दे दीजिए। उस समय जर्मनी और तमाम बाकी राइकेनस्टीन बैंक ने इस पर आपत्ति जताई थी कि ये करार का टूटना है, तो हम नहीं चाहते हैं कि करार टूट जाए और कालाधन वापस ना आए। इस कारण से हमने केवल इतना कहा है, अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ केस होता है तो नाम जरूर बताया जाएगा, जो कि संधि के अनुसार है, और हम पिछले सरकार के संधि को ही बनाए रखें।